नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां एशिया की सबसे बड़ी ट्रस्ट कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट के उपाध्यक्ष प्रशासन सुधांशु श्रीवास्तव के लखनऊ प्रथम आगमन पर चित्रगुप्त समिति प्रेमनगर के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने मानसरोवर मार्केट बारा बिरवा स्थित मानसरोवर ज्योतिर्लिंग मंदिर में जोरदार स्वागत किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। लखनऊ में एशिया के सबसे बड़ी ट्रस्ट कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट के उपाध्यक्ष प्रशांत सुधांशु श्रीवास्तव के प्रथम आगमन पर चित्रगुप्त समिति प्रेमनगर के उनका भव्य स्वागत किया। मानसरोवर मार्केट बारा बिरवा स्थित मानसरोवर ज्योतिर्लिंग मंदिर में आयोजित स्वागत समारोह में चित्रगुप्त समिति प्रेमनगर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सुधांशु श्रीवास्तव का माल्यार्पण और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। समारोह में चित्रगुप्त समिति प्रेमनगर के अध्यक्ष उमेश श्रीवास्तव, कार्यकारी अध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव, महामंत्री राकेश श्रीवास्तव, महिला अध्यक्ष रेखा भटनागर, युवा अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव और अन्य प्रमुख सदस्य मौजूद थे। सुधांशु श्रीवास्तव ने इस अवसर पर कायस्थ समाज को अपनी भावनाओं से अवगत कराते हुए कहा कि कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट समाज से हर मुद्दे पर अग्रणी भूमिका निभाएगी। उन्होंने समाज को एकजुट होने का आह्वान दिया और बताया कि पिछले चुनाव में केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने जाने के बाद डॉक्टर सुशील सिन्हा ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनका लाभ समाज के निचले तबके पर पहुंचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि केपी ट्रस्ट का सदस्य बनना आसान हो गया है, क्योंकि सदस्यता राशि घटाकर केवल 100 रुपये कर दिया गया है। सुधांशु श्रीवास्तव ने कहा कि कायस्थ समाज के लोग केपी ट्रस्ट से जुड़कर अपनी ताकत का एहसास कराएं और राजनीति में भी भागीदार बने। इसके अलावा सुधांशु श्रीवास्तव ने कहा कि कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई विकास कार्यों को आगे बढ़ा चुका है और भविष्य में भी इस दिशा की कदम उठा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजधानी लखनऊ में प्रथम बार कायस्थ पाठशाला के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष प्रशासन सुधांशु श्रीवास्तव जी यहां पर आए हुए हैं, जहां इनका जोरदार स्वागत किया गया। चित्रांत महासभा द्वारा कायस्थ समाज की बड़ी संख्या में लोग यहां पर उपस्थित हैं। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं, लखनऊ आगमन को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं लखनऊ में समस्त हमारे जो नाजदारी है उनके लिए अपने कायस्थ पाठशाला की तरफ से ये ले गया हूँ कि जो हमारी रिसेंटली हमारी जो है 100 रुपये मेंबरशिप हम लोगों ने कराया है हुआ है, उसमें ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए, भागीदारी करें, ये मेरा आह्वान है सबसे। जब चुनाव हो रहा था कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष का और तमाम पदाधिकारियों का, तो तमाम आप लोगों ने आश्वासन दिए थे लखनऊ के लिए किया जाएगा, वो किया जाएगा। क्या साकार, कौन सा काम साकार होता दिख रहा है? जी, अभी मात्र 6 महीने में ही प्रयागराज में वहां पे एक धर्मशाला का निर्माण हो गया। जो डॉक्टर साहब के इंजीनियर थे अध्यक्ष जी के, उनका पहला एजेंडा था 100 रुपीज मेंबरशिप, उन्होंने पूरा कर दिया। धर्मशाला का निर्माण जो हो रहा बहुत तीव्र गति से हो रहा है, उसमें स्लैब तक पहुंच गया है वो, और बहुत जल्दी कुंभ तक में हम लोग का लक्ष्य है उसको पूरा कर लें। विधवा पेंशन मात्र 500 रुपये थी, उसको बढ़ा के 1000 कर दिया गया, आने वाले समय में उसको 2000 कर दिया जाएगा। डायग्नोस्टिक सेंटर का एक संकल्प था, वो संकल्प भी लगभग लगभग पूर्ण स्थिति में है। और जहां तक रही लखनऊ के नाजदारियों की बात, तो लखनऊ के नाजदारियों का एक यहाँ पे एक यूनिट यहाँ पे बना दिया गया, जिसके अभी मैं जाऊँगा वहां पे, और बहुत सारे अभी इसमें मुंशी काली प्रसाद जी की वो लगी, प्रतिमा लगी, उसके बाद एक विश्वविद्यालय के घोषणा किया गया, उसमें बहुत पीछे जो है अब उसमें बहुत जल्दी निर्माण कार्य शुरू होगा, और बहुत कई योजनाएं अन्य हैं जिस पे काम चल रहा है, उसको आने वाले समय में हम लोग बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे। 4 साल में जो लक्ष्य है कि सबसे ज्यादा फोकस लखनऊ पे है, कि लखनऊ का स्वरूप हमको दिखाई, भव्य स्वरूप दिखाई पड़ना चाहिए।
निश्चित रूप से आप लोगों ने जो शुल्क ट्रस्टी बनने का जो जमा किया जाता था उसको बहुत कम कर दिया, सीमित कर दिया, 100 रुपए कर दिया है। क्या उद्देश्य है, क्या राजनीति में अब भागीदारी होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल होगी। राजनीति एक राजनीतिक शक्ति बनना कार्यस्थों को एक बहुत जरूरी है, और एक जो हम लोग का जो प्लेटफॉर्म एक राजनीतिक स्तर पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ से उसको एक कंसीडर करें राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां, एक संख्या बल होगा तो निश्चित रूप से सब कंसीडर करेंगे। इसी क्रम में यहाँ पर उमेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं जो कैश समाज का कारवां लेकर चल रहे हैं और केपी ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज आपके उपाध्यक्ष जी आए हैं, किस तरह से, क्या खुशी का माहौल है? क्षेत्र रूप समेत प्रेम नगर की तरफ से हमने अपने सुधांशु जी का भव्य स्वागत किया है और उनसे उम्मीद ये रखते हैं कि जो डॉक्टर सुशील सिन्हा जी ने आश्वासन दिया था कि लखनऊ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक हॉस्पिटल का बहुत जल्द निर्माण होगा, तो इंजीनियरिंग कॉलेज का उन्होंने कर दिया है भूमि पूजन, और आगे उम्मीद है कि जैसे शिक्षा फंड अपने जो निराश्रित बच्चे हैं उनके लिए कुछ जारी करें, विधवा पेंशन जैसे उन्होंने बताया था कि हम दुगनी करेंगे, एवं 100 रुपए वाला उन्होंने बड़ा ही अच्छा एक अपना वो एजेंडा पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद है, स्वागत है। इसी क्रम में कुछ बहनें भी हैं कायस महासभा से जुड़ी हुई, क्या कहना चाहेंगे मैम? हम यही कहना चाहेंगे कि कायस पाठशाला का जब से वो हुआ सिन्हा जी ने जब से जीते हैं तब से कुछ ना कुछ कार्यक्रम यहाँ पे हो ही रहा है और बहुत अच्छी बात है, इस सफल कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ते जाएं और कायस समाज के लिए कुछ ना कुछ करते जाएं। जी आज कैसा लग रहा है उपाध्यक्ष जी आपके बीच में? सर आज इलाहाबाद से जो वक्त लेकर यहाँ पर आए हैं उसके लिए हम लोग उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं लखनऊ वासी, साथ में इन्होंने जितनी चीजें बताई हैं और जो हुआ है उसके लिए बहुत धन्यवाद, और जो बताया है वो भी होता रहे तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा कि जब जैसे इलाहाबाद का ट्रस्ट वैसे लखनऊ में भी एक बहुत बड़ा ट्रस्ट अगर बन जाता है और हॉस्पिटल वगैरह जैसा बताया जा रहा है तो उससे कायस्थों को बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। ओके उपाध्याय जी एक सवाल और, मात्र शक्तियां बड़ी संख्या में कायस्थ पाठशाला से जुड़ रही हैं और आप लोग के साथ कारवां में शामिल हैं, इन मात्र शक्तियों पे कितना आप लोग खरा उतरेंगे? जी हम लोग का एकदम माता शक्ति की भागीदारी हमारी कार्यकारिणी में बहुत बड़ी संख्या में है और उनको सारी समितियों में आप जितने भी विद्यालय हैं सबके समिति में का एक उनका निश्चित मात्रा में अनुपात में माता शक्तियों को स्थान दिया गया है, हर एक चीज में भागीदारी कर रही हैं एकदम आगे आके, और सारी जितनी हमारी सब संस्थाओं की अलग अलग 18 संस्थाएं हैं मतलब यूनिट्स हैं जिसमें कॉलेज की CMP है, KP है, ये KP गर्ल्स है, तो बहुत बढ़िया कर रही है। एशिया की सबसे बड़ी संस्था कायस्थ पाठशाला जो आज लखनऊ में अपने कदम बढ़ा चुकी है, इतिहास रचने जा रही है, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज और तमाम ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो कायस्थ समाज के लिए संजीवनी का काम करेगी, नारी महिला सशक्तिकरण की बात हो या गरीब तबके के बच्चों के शिक्षा की बात हो या रोजगार की बात हो, हर दिशा में कायस्थ पाठशाला कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तत्पर है, और इसी क्रम में आज कायस्थ पाठशाला के उपाध्यक्ष सुधांशु श्रीवास्तव जी यहाँ राजधानी लखनऊ में आए हैं, सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। देखा जाए तो सुधांशु श्रीवास्तव या लखनऊ दौरा कायस्थ समाज के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, उनके नेतृत्व में कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट ने समाज के विकास के लिए कई अहम पहल की है और अब समाज की एकजुटता और ताकत को और बढ़ाने के लिए नए कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।